वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निशा एजुकेशन। और आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन समझ लेते हैं कि इसमें बोला क्या गया है। क्वेश्चन है, एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस लाइन का हम अर्थ समझ लेते हैं कि किया गया कार्य जितना अधिक होगा तय की गई दूरी भी उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि दोनों कैसे अनुक्रमानुपाती हैं। ठीक है, और किया गया कार्य यदि कम होगा तो तय की गई दूरी भी कम होगी। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं कि इस कथन को दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, इस लाइन को हमें ना दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, और अचर बल 5 मात्रक लेकर आलेख खींचिए। और जो हम अचर बल मानेंगे उसमें हम 5 मात्रक लेकर यहाँ पर हमें एक आलेख खींचना है। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक 0 मात्रक हो तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब हम आलेख बना लेंगे तो ये 2 मात्रक और 0 मात्रक भी हम इजीली बता पाएंगे। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में एक समीकरण बनाकर आलेख बना लेते हैं। ठीक है, तो ये लिख दिया हल। अब ना हमें यहाँ पर जो बल कार्य और दूरी दे रखा है तो उसे हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे माना अचर बल बराबर के मान लेते हैं। ठीक है, और किया गया कार्य को हम वाई मान लेते हैं। ठीक है, और तय की गई दूरी को एक्स मान लेते हैं। तो तय की गई दूरी बराबर हम मान लेते हैं एक्स। ठीक है, अब आप लोगों ने ना साइंस में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि कार्य बराबर होता है बल गुणा दूरी। तो उसी फॉर्मूले की मदद से हम यहाँ पर एक समीकरण बनाएंगे। ठीक है, तो लिख देते हैं कार्य बराबर होता है बल गुणा दूरी। ठीक है, अब हमने जो मान रखे हैं यहाँ पर रख देते हैं। हमने कार्य बराबर माना है वाई, तो वाई लिख दिया। बल को हमने माना के, तो के लिख दिया। और दूरी हो गई हमारी एक्स। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर बोला गया कि अचर बल 5 मात्रक लेकर आलेख खींचिए। ठीक है, तो हमें अचर बल जो दे रखा है ना उसे 5 मात्रक लेकर यहाँ पर एक आलेख बनाना है। ठीक है, तो लिख देंगे अचर बल बराबर 5 मात्रक लेने पर। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे कि जो अचर बल के है उसका मान हम कितना रख देंगे, 5। तो ये हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 5 गुणा क्या ये x। तो y बराबर कितना आया 5 और ये x। आप लोग देख पा रहे हो कि इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने यहाँ पर समीकरण बना लिया है। अब इस समीकरण का हमें यहाँ पर आलेख भी बनाना है, तो चलिए बना लेते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं भाई, सबसे पहले हमें x और y के कम से कम 2 मान चाहिए। ठीक है, तो ये बना लिया x और ये y। ठीक है, तो ये शुरू में रख देते हैं x, फिर यहाँ पर y। अब यहाँ से हम डायरेक्ट ही बना लेंगे। यदि हम रखते हैं क्या x बराबर 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। तो 5 से 0 की मल्टीप्लाई होगी तो पूरी टर्म हमारी 0 हो जाएगी। तो y का मान भी कितना आ जाएगा, 0। अब देखिए, यदि हम रखते हैं x बराबर 1, तो यहाँ क्या होगा 5 गुणा 1, तो 5 एकम 5। तो y का मान कितना आ जाएगा, 5। तो देखिए, हमने x और y के 2 मान निकाल लिए। हम क्या करेंगे, इजीली आलेख बना लेंगे इन बिंदुओं की हेल्प से। ठीक है, तो x का मान कितना है भाई, 0, और y का मान भी कितना है, 0। तो ये बिंदु कहाँ आने वाला है, यहाँ पर। ठीक है, ये हो जाएगा 0 0। अब दूसरा बिंदु है x अक्ष पर 1 चाहिए हमें। ठीक है, तो x अक्ष का 1 ये हो गया, और y अक्ष पर हमें चाहिए कितना, 5। ठीक है, तो y अक्ष के धनात्मक 5 का है यहाँ पर। ठीक है, तो हमें इस प्रकार ये 2 बिंदु मिल गए। अब क्या करेंगे, हम एक स्केल की हेल्प से यहाँ पर आलेख बना लेंगे। तो इस बिंदु का नाम भी लिख देते हैं, चलिए ये होगा 1 और ये हो गया 5। अब आलेख बना लेते हैं। इस प्रकार हमने यहां पर आलेख बना लिया है। अब क्वेश्चन आगे भी है, तो क्वेश्चन में देख लेते हैं कि क्या पूछा गया है। ठीक है,
पूछा गया कि यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी दो मात्रक हो तो किया हुआ कार्य हमें बताना है। वैसे ही दूसरा है कि यदि तय की गई दूरी जीरो मात्रक है तो किया हुआ कार्य हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लिए, मान के चलो हमने x अक्ष को क्या मान लिया, दूरी, और y अक्ष को क्या मान लिया हमने, कार्य। तो हम बहुत इजीली यहाँ पर बता पाएंगे। तो देखिए, पहला हमें दूरी दे रखी है दो मात्रक, तो हमें कार्य बताना है। ठीक है, तो कार्य कैसे बताएंगे हम, दूरी क्या हो गई हमारी एक्स अक्ष पूरी और कार्य क्या हो गया वाई अक्ष। तो वाई, अभी देखिए यहाँ पर दो मात्रक दे रखा है ना, मतलब ये एक्स का मान दे रखा है, अब हम वाई का मान निकालेंगे। तो ये देखिए, दो के सीध में हम देखेंगे कि ये कहाँ पर मिल रहा है भाई, ये टेन के ऊपर आकर मिल रहा है। ठीक है ना, तो आप इजीली स्केल से मेजर करेंगे तो बहुत आराम से आ जाएगा। तो कार्य कितना आया हमारा, दस, और इसे भी लिख देते हैं मात्रक। इसी तरह हम सेकंड भी कर लेंगे, तो देखते हैं कि सेकंड में दूरी का मान दे रखा है जीरो मात्रक। ठीक है, मात्रक यहाँ पर दे नहीं रखा है तो मात्रक ही लिख देते हैं। देखिए, अब यहाँ पर हमें एक्स अक्ष का मान दे रखा है जीरो, तो वाई अक्ष का हमने निकाल चुका है। ठीक है, जब एक्स अक्ष का जीरो है तो वाई अक्ष का भी क्या होगा, जीरो। तो कार्य भी कितना होगा भाई, कार्य बराबर भी होगा जीरो मात्रक। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट आंसर और ये हो गया सेकंड। तो हमसे क्वेश्चन में जितनी चीज़ें पूछी गई थी हमने कर लिया है। हमें बोला गया था कि आप समीकरण बनाइए, समीकरण का आलेख बनाइए, और दो क्वेश्चन हमें एक्स्ट्रा दे रखे थे कि दूरी यदि दो मात्रक हो तो हमें कार्य बताना है, दूरी यदि जीरो मात्रक हो तो कार्य बताना है। तो हमने इस आलेख की हेल्प से बहुत आराम से इसे बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि बोला क्या गया है। क्वेश्चन है, एक विद्यालय की कक्षा 9वीं की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये का अंशदान दिया। तो एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो और इस समीकरण का आलेख खींचिए। ठीक है, हमें जो क्वेश्चन दे रखा है इसका हमें एक समीकरण बनाना है और दिए गए समीकरण का आलेख खींचना है। ठीक है, अब देखिए, कक्षा में उन लोगों ने 100 रुपये अंशदान दिया, यामिनी और फातिमा ने। ठीक है, दोनों ने मिलकर दिया, हमें नहीं पता कितना कितना दिया तो हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, तो लिख देते हैं, माना यामिनी द्वारा दिया गया अंशदान बराबर एक्स रुपए। ठीक है, इसी तरह हम फातिमा का भी मान लेंगे, तो फातिमा तथा लिख देते हैं, तथा फातिमा द्वारा दिया गया अंशदान बराबर वाई रुपए। ठीक है, अब दोनों ने मिलकर कितना दिया, 100 रुपए। ठीक है, तो समीकरण बन जाएगा प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या होगा, यामिनी द्वारा दिया गया अंशदान धन फातिमा द्वारा दिया गया अंशदान बराबर कितना होगा, 100 रुपए। दोनों ने मिलकर 100 रुपए ही तो दिए है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, समीकरण एक्स धन वाई बराबर कितना, 100। अब देखिए, ये समीकरण बन गया, हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि आप समीकरण बना लीजिए और उस समीकरण का आलेख बनाइए। ठीक है, तो हम आलेख बनाने के लिए क्या करेंगे, एक्स और वाई के दो दो मान ले लेते हैं, ये लिख दिया x और ये हो गया y। अब देखिए, यहाँ से हम डायरेक्ट कर सकते हैं, यदि हमने रखा x का मान 0 तो ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी, तो y का मान कितना आ जाएगा, 100। इसी प्रकार यदि हम y का मान क्या रख दें, 0, तो ये टर्म हो गई पूरी 0, तो x का मान कितना आ जाएगा, 100। ठीक है, सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, आप इजीली ऐसे ही बता सकते हैं कि क्या क्या मान आने वाले हैं। अब इन मानों का ना हम क्या करेंगे, आलेख बनाएंगे। अब देखिए, ये 100 100 आ रहा है, 100 100 कोई छोटी संख्या तो है नहीं। जब आप आलेख बनाएंगे और 1 2 3 4 5 में ऐसे डिवाइड करेंगे इसे, तो बहुत लंबा चला जाएगा, मतलब कॉपी पे बनाना या बोर्ड पे बनाना तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए मैंने क्या किया ना,
कि 20-20 के गैप से या 20-20 रुपए के गैप से मैंने लिख दिया है, ठीक है ना। तो हम यहां पर लिख देते, पैमाना लिख देते हैं। तो पैमाना बराबर या पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है, 20 रुपए। आप लोगों को एक एक सेंटीमीटर की दूरी रखना है कॉपी पर, लेकिन यहां पर हमने 1 सेंटीमीटर बराबर 20 रुपए ले लिया है पैमाना लिखकर, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, हम इसका आलेख बनाएंगे। अब देखिए, हमें x अक्ष पर चाहिए 0, x अक्ष का 0 का है ये, तो y अक्ष का कितना मान चाहिए, 100। तो ये बिंदु हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ पर, ठीक है। बिंदु का नाम हो जाएगा 0 और ये 100। इसी प्रकार x अक्ष का हमें चाहिए 100, तो 100 का है भाई ये, और y अक्ष पर चाहिए हमें 0, तो y अक्ष का 0 कहाँ होगा, यहाँ पर, यानी इस पूरी लाइन में, ठीक है। तो दूसरा बिंदु हमें कहाँ मिला, यहाँ पर, इसका नाम होगा क्या, 100 और ये 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से ना इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा आलेख। इस प्रकार हमने क्या बनाया, आलेख। और यहां पर ये जो लाइन है, ये समीकरण x धन y बराबर 100 को रिप्रेजेंट करती, तो ये भी लिख देते हैं, x धन y बराबर ये 100, ठीक है। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 7 खत्म होता है। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।